हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है हमारे GTA 5 के थर्ड एपिसोड में। अगर आपने GTA 5 के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड नहीं देखे तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। GTA 5 के सेकंड एपिसोड में अगर आपको याद हो, माइकल ने प्राइम मिनिस्टर की कार को तो चुरा लिया था, लेकिन वो अपनी सैंड किंग की एक्सेल SUV को लाना भूल गया था। बेसिकली वो कोई चारा ही नहीं था उसके पास, और कोई बंदा ही नहीं था जो कि वो SUV लाए। और भाई जो अपनी गाड़ी जो है ना, वो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से कर रखी है इम्पाउंड पुलिस वालों ने, तो वो वही गाड़ी आज इस एपिसोड में हम वापस लाने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहे इस वीडियो में पूरी तरह। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों वीडियो को। तो हम चलते हैं भाई दोस्तों आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी कार में जाएँ। लेकिन हाँ, एक और कार ली है भाई माइकल ने। बेसिकली ये कार माइकल के बेटे जिमी ने ली है, और ये भी उसको काफ़ी महंगी पड़ी है, लैम्बोर्गिनी हरिकेन। ये भी काफ़ी महंगी कार है माइकल को पड़ी है। और भाई सीक्रेट एजेंट का फ़ोन आ चुका है। सीक्रेट एजेंट बताने वाला था बेसिकली कि कहाँ पर हमें अपनी कार मिलने वाली है। सीक्रेट एजेंट ने लोकेशन का पता दे दिया है, तो हम वहाँ पर चलेंगे और फिर आपको भी हम वहाँ पर दिखाएंगे क्या कुछ वैसा सीन रहता है वहाँ पर। तो हाँ, आप चलते हैं दोस्तों। मैं बस आपको कार दिखा रहा था जिमी की, तो हम अपनी पुरानी कार में ही चलेंगे, जिमी की कार में नहीं चलेंगे भाई। जिमी मार डालेगा अगर कुछ भी जिमी की कार को हुआ तो। जिमी काफ़ी गुस्सा हो जाएगा उसकी कार को अगर ले गए तो। हम अपनी वही पुरानी वाली R35 को ले चलते हैं भाई। ये भी कार काफ़ी ख़तरनाक और भागती बहुत है यार। इसका इंजन के बारे में बात करें तो वीट वाला इंजन है इसमें, जो कि काफ़ी ही भगाता है कार को स्पीड से। तो चलो सही है, सीक्रेट एजेंट ने बताया था। मार्क लगा देते हैं वहाँ पर एक बार। यहाँ कहीं मिलेगी कार, सीक्रेट एजेंट कह रहा था यहीं पर हमें कार मिलने वाली है। तो चलते हैं, हम अपनी आई कार को फुल स्पीड पर भगाते हैं। बेसिकली ये कार जो है R35 उस माइकल ने SUV के साथ में ही ली थी, तो माइकल को कुछ दोनों कार पर डिस्काउंट मिल गया था, इसलिए इसने दोनों कार ले ली थी, SUV और R35। तो भाई हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं बस, पहुंच ही गए, थोड़ी दूर है बस, पहुंच जाएंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं। हमें ड्राइविंग करते समय फ़ोन तो नहीं चलाना चाहिए। वो भाई अमेंडा का फ़ोन आ चुका है। माइकल अब पिटेगा, बहुत बुरा वाला पिटने वाला माइकल। अमेंडा बुला रही है किसी काम से, माइकल नहीं जाएगा भाई साहब, तो बहुत कह देता हूँ फिर जाऊँगा नहीं। माइकल ने कह दिया है अपने वाइफ से कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन हमें वो जाएगा नहीं, वो अपनी कार लेने जा रहा है। काफ़ी पागल बनाता रहता है भाई अपनी वाइफ को माइकल। और हम बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा ही हमारी पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं। मैं कार को साइड में लगा देता हूं भाई साहब, देखते हैं फिर। रुको, एक काम करते हैं, साइड में रहने देता हूं। चलते हैं भाई, चलते हैं और आपको भी दिखाता हूं क्या कुछ सीन है यहां पर बना रखा है इन्होंने। ये देखो भाई, हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन। ओ शिट, हमारी कार तो भाई पूरी दबा रखी है, आगे पीछे से कहीं से नहीं ले जा सकते। ऊपर से देखते हैं एक बार, ऊपर से ले जा के देखते हैं क्या कुछ निकल सकती है कार के। नहीं, देखते हैं चुप साप से, पता ना चले भाई। साइड में लगाई कार और देखते हैं क्या। ओ भाई देखो यार क्या क्या बना रखा इतना, देखो आगे भी कार खड़ी कर दी और पीछे भी। वैसे निकल तो सकती है, लेकिन अंदर बैठने में यार बहुत मुश्किल हो जाएगी यार, गोली मार देंगे ये। इतनी सिक्योरिटी कर रखी है यार, क्या करें। एक काम करता हूँ, मैं लेस्टर को फ़ोन लगाता हूँ, लेस्टर को फ़ोन लगाता हूँ। और कुछ हो सकता है, हेलीकॉप्टर से शायद ऊपर से उठ सकती है कार, कार्गो से, तो उससे उठाने की कोशिश करेंगे तो वो सही रहेगा यार। पता, बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर आ भी जाएगा, जगह है वहाँ पर काफ़ी, तो आ जाएगा हेलीकॉप्टर, तो उससे उठ जाएगी आसानी से कार। लेस्टर उठाए तब ना। हाँ, तो भाई लेस्टर ने बता दिया है हमें हेलीकॉप्टर कहाँ पर मिलने वाला है। लेस्टर ने भाई काफ़ी दूर बताया भाई, आउट एरिया में जाना पड़ेगा हमें, बहुत दूर, काफ़ी दूर है, इधर कहीं बताया भाई लेस्टर ने। देखते हैं भाई, जाना तो पड़ेगा। पेट्रोल भी नहीं डलवाया था मैंने गाड़ी में, पहुँच जाएगी क्या। चलो देखते हैं पहुँचती है कि नहीं कार। चल तो पड़े हैं हाईवे पर भाई, फुल स्पीड है बिल्कुल, एक्सेलरेटर पूरा दबा रखा है। जल्द से जल्द हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। हाईवे पे पूरी भगानी पड़ेगी यार, कुछ ट्रैफिक भी है यार, ज़्यादा कुछ निकालना पड़ेगा। ट्रैफिक तो हालांकि बना रहे, कोई बात नहीं है, निकाल दूंगा मैं। हालांकि ड्राइविंग अच्छी हो गई है भाई। ड्राइविंग करते करते GTA 5 के अंदर बहुत कम ठुकती है अब गाड़ी, जैसा कि देख सकते हैं आप। मेरी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है GTA 5 के अंदर। तो चलो भाई पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी दूर हो रहा है, पहुंच जाएंगे, टेंशन नॉट। लेस्टर ने काफ़ी दूर बता दिया यार, हेलीकॉप्टर कोई पास में था ही नहीं, बस पहुंच ही गए। आप टेंशन मत लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब पहुंच गए बस। बाकी बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना यार दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊं। गाड़ी तो भाई हमने फुल भगा रखी है, तब भी टाइम तो लग जाएगा यार, जितना लगना होगा टाइम वहाँ। तो चलो हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। देखो भाई कुत्ता और उसका मालिक खा रहे हैं भाई एक साथ। यो भाई हेलीकॉप्टर हमें मिल चुका है, ये भाई हेलीकॉप्टर लेस्टर ने बताया था। हाँ भाई इससे उठाएंगे हम, ये सही है, बिल्कुल सही हेलीकॉप्टर बताया भाई लेस्टर ने। कमाल का हेलीकॉप्टर बताया भाई साहब, कमाल कर दिया लेस्टर। तो हम चलते हैं, अब हमें हेलीकॉप्टर भी लेके जाना पड़ेगा भाई। हेलीकॉप्टर का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम मार्क लगा लेते हैं एक बार मैप में, ताकि ज़्यादा टाइम हमें ना लगे। ये रही हमारी गाड़ी, तो चलते हैं। शॉर्टकट लगेगा भाई हेलीकॉप्टर से, तो सीधा जल्दी चलो भाई। स्पीड फुल कर दिया मैंने, एक्सेलेरेटर दबा दिया है, हेलीकॉप्टर का भी एक्सेलेरेटर फुल कर दिया है। थोड़ा टाइम लगेगा भाई उड़ते उड़ते, काफ़ी टाइम हो गया भाई हमें उड़ते उड़ते। देखते हैं कितना टाइम और लग जाता है हमें। बस पहुंच ही गए हैं भाई दोस्तों, ये पहाड़ उसके बाद पास करें। हाँ तो दोस्तों पहुँच चुके हैं सिटी के अंदर, और आप बने रहें इस वीडियो में। अब हम उठाएँगे अपनी कार, देखते हैं क्या होता है दोस्तों, क्या कुछ ऐसा रहता है। तो हम अपनी कार के ऊपर भी पहुंच चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल आप सामने नीचे देख सकते होंगे कि हमारी कार पूरी तरह से घेर रखी है भाई, पुलिस वालों ने इम्पाउंड कर रखी है ख़तरनाक तरीके से। ऐसे आम इम्पाउंड नहीं कर रखा कोई, इतनी ख़तरनाक तरीके से। तो हम चलते हैं अब धीरे धीरे नीचे। अभी तक मेरे स्टार तो नहीं हुए हैं, आगे पता नहीं होते हैं कि नहीं, देखते हैं क्या भाई। स्टार तो होने ही होंगे भाई, पक्का होंगे स्टार। ओ भाई रेडियो को चल गया, रेडियो नहीं चल रहा ना भाई। चलो भाई बिल्कुल आराम आराम से चलो नीचे, फिर देखते हैं क्या कुछ वहाँ पर होता है। बिल्कुल आराम से चलो और फिर देखते हैं भाई। अभी तक इन्हें पता ही नहीं चला हेलीकॉप्टर, या फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। ओ भाई बिल्कुल एकदम से 5 स्टार हो चुके हैं भाई मेरे, पता नहीं क्या हो भाई। 2 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं भाई, ओ शिट, 2 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं और 5 स्टार। और नीचे वाले पुलिस वाले भी चौकन्ने हो चुके हैं यार। अब तो भाई उठानी पड़ेगी भाई, अब तो गाड़ी उठानी है, अब भागूंगा नहीं भाई बिल्कुल मैं। हेलीकॉप्टर कुछ नहीं होने वाला, चाहे कितनी गोली बरसा लूँ, क्योंकि यार पूरा बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर है। तो हमें बिल्कुल धीरे से ले जाना है भाई हेलीकॉप्टर, बिल्कुल धीरे से भाई, क्रैश ना हो जाइए। यहाँ पर क्रैश हो गया तो भाई सबके हो जाएंगे लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ओ भाई लेफ़्ट नहीं जाना, राइट, थोड़ा सा राइट। ओ भाई शिट, नीचे भिड़ गया, ओ शिट। आराम से भाई, बिल्कुल आराम से, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। ओ भाई शिट, ओ शिट, बिल्कुल आराम से भाई, गोली पड़ती रहे, पड़ने दो। आराम से हमें बिल्कुल ले जाना है हेलीकॉप्टर नीचे, गाड़ी के पास, बिल्कुल आराम से आराम से। बस ये कोई गाड़ी में भिड़ जाए बस ये। हाँ भाई हो गई भाई, अटैच हो गई गाड़ी। उड़ा भाई, पूरा एक्सीटर दबा दिया मैंने पूरा भाई। हैवी है भाई, उड़ने में दिक्कत हो रही है हेलीकॉप्टर को, हैवी है काफ़ी गाड़ी, तो हेलीकॉप्टर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है उड़ने में। वो भाई ऊपर वाले हेलीकॉप्टर के भी भिड़ चुका है अपना हेलीकॉप्टर, वो भी काफ़ी ख़तरनाक तरीके से बचा है, और हमारा हेलीकॉप्टर भी बचा है क्रैश होने से। भाई देखते हैं भाई कहाँ पर ले जाए इसको, मेरे समझ नहीं आ रहा है यार, माइकल को समझ नहीं आ रहा। और ये रेडियो चला बार-बार बंद कर रहा है भाई साहब, रेडियो मत चला, इससे कितनी बार कहा है। सबसे पहले तो यार पुलिस से बचना पड़ेगा कैसे भी करके। मैं एक काम करता हूँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ हेलीकॉप्टर की, फिर देखते हैं यार पुलिस के हेलीकॉप्टर पीछे होते हैं या नहीं। भाई साहब काफ़ी फंस चुका हूँ बुरा यार गाड़ी के चक्कर में, लेकिन यार गाड़ी तो चाहिए थी यार, उठानी थी वहाँ से, कोई बात नहीं। ओ भाई एक क्रैश हो चुका है भाई, एक हेलीकॉप्टर पुलिस का क्रैश हो गया। वो भाई साहब सही है भाई, एक पीछे लगा हुआ है अभी। भाई चलते हैं यार कहाँ पे यार, अपने घर पे तो जा नहीं सकते यार, नहीं तो वहाँ पर तो घर का भी पता चल जाएगा पुलिस वालों को, तो यार वहाँ पे पकड़ लेंगे यार मुझे, और जेल में पकड़ के बंद कर देंगे यार। इतना फंस जाऊँगा फिर तो मैं, मुझे आउट एरिया में ले जाना पड़ेगा इसको यार। फंस तो बहुत बुरा चुका हूँ मैं यहाँ पर, और भाई देखो कहाँ कहाँ से जा रहा हूँ, आउट एरिया में ले जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर को यार। और कोई रास्ता ही नहीं यार, कहाँ पर ले जाएं, और कोई घर पे ले जाऊँगा तो पुलिस आ जाएगी यार, आउट एरिया में ले जाना पड़ेगा यार। एक काम करता हूँ भाई, अब घर की तरफ चलता हूँ मैं, देखते हैं जो होगा देखी जाएगी। हाई स्पीड, फुल स्पीड कर दिया भाई हेलीकॉप्टर की मैंने, तो पहुँच जाएंगे हम अपने घर पर। कोई ब्रिज मिल जाता है यार, उसके नीचे घुस जाता मैं, बड़ा ब्रिज होता कोई तो यार देख नहीं पाते। एक तो हेलीकॉप्टर है भाई, शोर बहुत कर रहा है भाई, डबल पंखे हैं इसके, इस वजह से यार सबको पता चल जाता है भाई। प्राइम मिनिस्टर की कार चुराई थी, उसमें तो यार इलेक्ट्रिक थी वो, बिल्कुल साइलेंट चलती थी, इस वजह से मैं ब्रिज के नीचे छुप गया था और फिर पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी यार मुझे। तो भाई देखते हैं क्या होता है। आपको बस लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो सब्सक्राइब करें, और आपको इससे अगले एपिसोड में पता चल जाएगा कि माइकल के साथ क्या हुआ इस एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।